आइकिया ने सेलिब्रेट किया मुंबई में अपना एक पहला स्टोर लॉन्च और इसी के साथ दिखाई दिए फिल्मी जगत के कई सारे सितारे जैसे सोहा अली खान, कुणाल खेमू और अन्य। Center, huh? One more. Thank you. Let me out. Thank you. Bye.
सोलो बाइक लेना है अवंती का यहाँ पे सामने हिंदी इंग्लिश इंग्लिश मराठी नहीं थे हिंदी ठीक है आपको देखूं कैमरा में देखूं अरे हाथ इतने लंबे इनके माइक नहीं पहुंचे आइकॉनिक मैं क्या बताऊँ आइकिया के बारे में इट स्पीक्स अ लॉट बिकॉज इट डजंट स्पीक टू मच जितना कम बोलते हैं उतना ज़्यादा काम होता है इट्स मिनिमलिस्ट इट गेट्स द वर्क डन द प्राइसेस आर ग्रेट आई थिंक इट्स अमेजिंग फॉर द इंडियन मार्केट और आजकल जो न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही है एंड द अमाउंट ऑफ रेंटल फ्लैट्स इन बॉम्बे आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड टाइमिंग फॉर आइकिया टू कम इन क्रिएट द होल्ड मेरे हिसाब से सॉरी मैंने बिजनेस किया है फाइनेंस किया है सो आई जैसे कि आपकी आपकी मूवी को बेस्ट आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था लेकिन उसमें आपके कैरेक्टर को काफ़ी पसंद किया गया था तो इस सक्सेस को आप किस प्रकार देखते हैं सक्सेस को कैसे देखता हूँ नहीं बस मेहनत करते रहो दिल लगा के काम करो और जितने काम में मज़ा आ रहा है उतना ही काम करो लोगों को पसंद आती है तो बहुत अच्छी चीज़ है नहीं पसंद आती है तो और मेहनत करेंगे कुछ और नया लाएंगे तीन पिक्चर अलग अलग आ चुकी है दो और अलग पिक्चर एंड ऑफ द ईयर आएगी और दुआ करता हूँ कि लोगों को ये आगे वाली पिक्चर भी पसंद आए और अपना प्यार देते रहें आप अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे थोड़ा हिंट देना चाहेंगे हिंट क्या मैं तो बता देता हूँ आपको हिंट क्या है कॉमेडी पिक्चर है एक कॉमेडी कॉमेडी है थिएटर में आएगी एक ओटीटी पे आएगी कौन सी है वो आप देख लेना थैंक यू डार्क कॉमेडी एंड फैमिली कॉमेडी दोनों में काफी डिफरेंस है सारी पिक्चरों में मेरे डिफरेंस है मेरी एक भी पिक्चर एक जैसी नहीं है एक भी कैरेक्टर ऐसे जैसे हां तो ऐसे अलग-अलग कैरेक्टर आपके लिए कितना चैलेंजिंग होते हैं अलग-अलग कैरेक्टर प्ले करना क्योंकि आर्टिस्ट को वही तो काम है एक्टर का वही काम है ना एक ही चीज बार-बार करो तो ठीक है कई लोग कई स्टार्स बोलते हैं कि वो लोग जब कैरेक्टर वो लोग को प्ले करना रहता है अलग अलग तो वो लोग अलग से प्रैक्टिस करते कुछ महीना अलग रहते हैं बिल्कुल कई लोगों से इंस्पायर होते फिर वो प्ले करते हाँ वो मेहनत डालनी पड़ती है वो होमवर्क करना चाहिए अगर आपको एक कैरेक्टर से दूसरा कैरेक्टर बनना है या अपने से अलग कोई कैरेक्टर निभाना है तो उसका जो स्टडी है उसका होमवर्क है वो इंसान कैसा है क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है वो चलेगा कैसे उसकी आवाज़ कैसे होगी इस सब पे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है जानना बहुत ज़रूरी है और हर कैरेक्टर जो हम पढ़ते हैं वो ऐसी नहीं है कि हमारे ज़िंदगी में आते रहते हैं तो कई चीज़ें हमें दूसरे लोग से इंस्पायर होकर लेना पड़ता है कहीं पढ़ा होगा कहीं सुना होगा कहीं पिक्चर देखा होगा तो वहाँ से चीज़ें लेते रहते हैं पानी पीते रहना चाहिए ये अच्छा